पूरे भारत में काल भैरव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी श्रृंखला में नागपुर में महल स्थित काल भैरव मंदिर समिति की ओर से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ काल भैरव जयंती मनाई गई। इस मौके पर दूर दराज से श्रद्धालु मौजूद थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था, इसलिए हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव जी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार अगहन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही शिव जी के अंश काल भैरव का जन्म हुआ था। काल भैरव को भगवान शिव का दूसरा रूप कहा जाता है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत उपास पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। पूरे भारतवर्ष में आज काल भैरव जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी श्रृंखला में भारत की महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की विदर्भ में और विदर्भ के नागपुर में नागपुर के महल परिसर स्थित 150 वर्ष पुराने काल भैरव मंदिर में आज विधिवत पूजा अर्चना की गई और जयंती मनाई गई। इस मौके पर महाआरती की गई, जिसका लाभ भक्तों ने लिया। आने वाले हर भक्तों को तिलक लगाया गया, प्रसाद बांटा गया। श्रद्धालु दूर दराज से यहां आकर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काल भैरव जयंती के मौके पर काल भैरव जयंती महोत्सव के अध्यक्ष शीतुत गढ़वे इन्होंने एनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नागपुर का यह एक ऐतिहासिक मंदिर काल भैरव मंदिर है, जहाँ पे दूर दराज से कई श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। आज इसी क्रम में आज दूर दराज से कुछ लोग आए हुए हैं भगत लोग, उनसे जानना चाहेंगे। आप ये बताएं कि किस तरह का ये मंदिर है, क्या कहना चाहेंगे, आज कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा है? ये आज काल भैरव जयंती का प्रोग्राम मना रहे हैं हम, और ये कम से कम पूरे विदर्भ में 150 साल पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ दूर दूर से लोग भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं। क्या विशेषता है? यहाँ जो भी भगवान भक्त जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है, ये हमको बहुत सारे भक्तों को अनुभव आया हुआ है सर। कितना वर्ष पुराना मंदिर है ये? 150 से 200 साल पुराना मंदिर है ये, बहुत प्राचीन और साक्षात मंदिर है एकदम। और आज क्या क्या कार्यक्रम? आज हमारा पहले अभिषेक हुआ है सवेरे 8 बजे, उसके बाद में फूलों की सेज हो गई है मंदिरों में। अभी 12 बजे महाआरती होगी, महाप्रसाद होगा, उसके तत्पश्चात फिर शाम को 6 बजे फिर महाआरती होगी, फिर प्रसाद होगा और फिर गोपाल काला कार्यक्रम होगा। ऐसे हमारे प्रोग्राम में रात को श्री काल भैरव अष्टक पठन का भी कार्यक्रम किया हुआ है, वो भी रखे हैं। क्या नाम आपका? हम श्रीकांत गढ़वे। तो आप थे श्रीकांत गढ़वे, जिन्होंने बखुबर बेवा के साथ बात करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि 150 वर्ष पुराना ये भोसलेकालीन मंदिर है और इस मंदिर में हर मन्नत पूरी होती है, ऐसे भक्तों का मानना है। लेकिन आज यहाँ पे बड़ी हर्षोल्लास के साथ एक काल भैरव की जयंती मनाई जा रही है, जिसका लाभ कई राज्यों से और कई शहरों से लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, एनबीसी न्यूज़ नागपुर।